हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं इस पुराने डैमेज तवा को एक नया लुक देने वाली हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक इवेंट बेस के लिए तवा पर जेसो का एक कोट लगाया है। इससे मुझे डिज़ाइन बनाने के लिए एक सही टेक्सचर मिल जाएगा। मैंने इस तवा के हैंडल पर भी जेसो का एक कोट लगा दिया है। जशो के सूखने के बाद ये अब कुछ ऐसा दिख रहा है। अब मैं कंपास के हेल्प से पूरे तवे पे सर्कुलर डिज़ाइन बना दूंगी। मैंने इस कंपास को अमेज़ॉन से खरीदा है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, अगर आपको चाहिए होगा तो आप चेकआउट कर सकते हैं। लाइनिंग्स मैंने काफ़ी लाइट बनाई है, इसलिए ये कैमरे पर विजिबल नहीं हो रहा है। छोटू स्केल के हेल्प से मैं तवे को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दूंगी ताकि मेरे डिज़ाइन इवन लगे। अब मैं फेविक्रिल मोल्डेड क्ले से 3D लाइंस बनाऊंगी। इसके लिए दोनों कंपाउंड्स को थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करेंगे। आप चाहे तो एक साथ भी पूरा मिक्स कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं क्ले से पतली सी लाइनिंग बनाऊंगी और इसे अपने तवे पे बने हुए डिज़ाइन के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दूंगी। अब मैं क्ले को भी जेसो की एक कोट से कवर कर दूंगी। अब लिप्पन आर्ट के लिए हमारा तवा रेडी है। मैंने यहाँ पर रेड एंड येलो कलर पैटर्न डालने का सोचा है। आई होप ये अच्छा लगे। अब मैं क्ले लाइनिंग्स को भी ब्लैक कलर से पेंट कर दूंगी। अब मैं इसे मिरर से डेकोरेट करूंगी। तवा के हैंडल पर भी मैंने ब्लू एक्रेलिक कलर लगाया है और इस पे भी मिरर्स लगा के अच्छे से डेकोरेट कर दिया। अब ये रेडी है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको ये प्रोसेस कैसा लगा।